गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लॉन, हाउ टू प्रिपेयर लॉन एंड देन हाउ टू मैनेज इट। सो फर्स्ट इज मोइंग एंड रोलिंग। हमने मोइंग कब कर ली है? जो न्यूली प्लांटर लॉन होएगा उसकी मोइंग नहीं करनी जब तक कि इसके प्रॉपर ग्रास जो है ग्रो ना हो जाए। सो बिगनिंग में जो ग्रास है उसको हम ट्रिम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइथे, और लाइट रोलिंग जो है वो भी कर सकते हैं ड्राई ऑन द ड्राई ग्राउंड टू सप्रेस द अपराइट ग्रोथ ऑफ द एंकर द ग्रास फैमिली इन द सॉइल एंड टू कीप द लेवल ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो हमने मोस्टली जैसे जैसे नया ग्रास लगाया है तो उसको हमने पहले ग्रो होने देना है। ग्रो होने के बाद ही हमने जो है इसकी ट्रिमिंग या मोइंग करनी है। सो जो इंटरवल ऑफ मोइंग का है वो हमने डिपेंड करता है लॉन के सीज़न पे कब हमने इस्टेब्लिश किया है। तो जो लॉन की हाइट है इट शुड बी नॉट बी मोर देन 5 to 6 सेंटीमीटर। सो रेनी और विंटर सीजन में हमने जो मोइंग है वो 7 से 10 दिन के इंटरवल में कर देनी है, स्प्रिंग सीजन में 15 दिन के बाद, और समर में इसको मंथली इंटरवल में करनी है। तो मोइंग हम किसके साथ सकते हैं? हैंड ड्रिवन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द साइज हमारे लॉन पे साइज। अगर तो छोटा है घर का है उसको हम हैंड ड्रिवन मोर से भी कर सकते हैं, बल्क ड्रिवन जो ट्रैक्टर ड्रिवन जो अगर आपका लॉन बहुत बड़ा है तो उससे भी कर सकते हैं। इरिगेशन कब करनी है, पानी कब लगाना है? पानी का भी यही रूल है कि ड्यूरिंग ऑटम और विंटर मंथ्स वाटरिंग इज डन इन टर्नल ऑफ 7 days 10 days, और समर मंथ्स में 7 days, और जनरली जो है स्प्रिंकलर सिस्टम जो है दैट इज़ मोर बेटर देन द फ्लडिंग। मोस्टली फ्लडिंग हम करते हैं बट इट इज़ फॉलोड बाय इरीगेशन इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ बेटर। जनरली फ्लड इरीगेशन इज़ फॉलोड बाय सिंपल सिस्टम इज़ बेटर एंड शुड बी यूज वेयर एज अ पॉसिबल। लेकिन आजकल जो रिकमेंडेड है वो है फॉग और फिस्ट फॉर्मेशन। सो सैंडी लोम सॉइल जो है वो उसमें फ्रीक्वेंट वाटरिंग रिक्वायर्ड होती है दैट टेन द हैवी सॉइल। सो कोरियन ग्रास नीड मोर फ्रीक्वेंट वाटरिंग दैन द कलकत्ता ग्रास। दो ग्रास आती हैं इसके लिए, कोरियन ग्रास आपने लगाई है, कलकत्ता ग्रास है। जो कलकत्ता ग्रास है उसको ज़्यादा पानी चाहिए दैन द कोरियन ग्रास को ज़्यादा पानी चाहिए दैन द कलकत्ता ग्रास। वीडिंग कब करनी है? वीडिंग हम क्या करते हैं, हैंड होइंग से भी कर सकते हैं। रेगुलर मोइंग जो है उससे क्या होगी, वीडिंग वैसे ही कंट्रोल होती है अपर पोर्शन में, बट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वीड जो है ग्रो करती है, मोस्टली मोथा इसमें ग्रो करता है, सो विच इज़ प्रॉब्लमेटिक वीड। सो इसके लिए हम 2,4-D 0.5% सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, 2,4-D एस्टिक एसिड। और फर्टिलाइजेशन हमने कैसे करनी है? फर्टिलाइजेशन वैसे तो 30 ग्राम इन 10 लीटर, मतलब 3 ग्राम 1 लीटर यूरिया में, 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में अगर हम मिक्स करके स्प्रिंकल करेंगे दैट इज़ गुड, बट जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है 50-60 ग्राम हमने क्या लेना है, 2 पार्ट्स कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 1 पार्ट सुपरफॉस्फेट और 1 पार्ट पोटाशियम सल्फेट। इन तीनों को हम ये 2 पार्ट कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 1 पार्ट सुपरफॉस्फेट और 1 पोटाशियम सल्फेट जो है हमने रेनी सीजन में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर हमने बनाकर 50-60 ग्राम जो है स्प्रिंकल कर देना। स्क्रेपिंग ऑफ लॉन है कि जैसे लॉन आपका बहुत पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, अब उसकी ग्रास जो है दैट इज़ नॉट दैट फ्रेश, तो हमने क्या करना है, रेनोवेट करना है ओल्ड लॉन को। तो सो व्हेन इट बिकम ओल्ड तो उसमें हमने क्या करना है ड्यूरिंग जून, जैसे लॉन जो है उसकी स्क्रैपिंग कर लेनी है। कैसे करनी है? विद द हेल्प ऑफ खुरपा और रेक के साथ। अब क्या करना है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ रेन जून में, जैसे अब जैसे जुलाई या अगस्त में बारिश स्टार्ट, अगस्त में जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आपने क्या करना है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रेन ड्रॉप ड्रेस्ट ऑफ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ गार्डन सॉइल। अब जो हमने
ऊपर से स्क्रैपिंग कर दिया, उसके ऊपर हमने क्या करना है, मिक्सचर डालना है, किसका, गार्डन सॉइल का, सैंड का और लीफ मोल्ड का, सीव्ड लीफ मोल्ड 1:2:1, इनका मिक्सचर बनाकर ऊपर डाल दिया। शुड बी अप्लाई टू कवर द अपर 3 to 5 centimeter लेयर, हमने उसको बिल्कुल हमने क्या करना है कवर कर देना। सो सॉइल और सॉइल फॉर टॉप, हाँ अब क्या है, सॉइल फॉर टॉप ड्रेसिंग शुड बी होमोजीनस, क्लियर, फ्री ऑफ पेस्ट सीड ऑफ वीड एंड शुड बी सिमिलर टू टेक्सचर टू दैट ऑफ द टर्फ सॉइल। इसकी हमने ऊपर लेयर बना दी इस मिट्टी की, उसके बाद इससे क्या होएगा, रेनोवेशन हो जाएगी उसकी, स्टोलन एंड राइजोम्स जो उसके अंदर होते हैं ग्रास के अंदर, उसमें फर्टिलिटी लेवल एंड लेवलिंग ऑफ द ग्राउंड। अब जो है बोन मील हमने लेना है 1 kg per 100 square meter शुड बी ऑल्सो बी अप्लाइड विद द ऑनसेट ऑफ रेन और एप्लीकेशन ऑफ इरीगेशन वाटर। बोन मील भी हमने उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया इरीगेशन वाटर के साथ। सो ग्रास विल ग्रो लग्जूरियंटली एंड विल मेक अ कम्पैक्ट एंड हेल्दी टर्फ। अब जो हो जाएगा ऊपर जो ग्रास निकलेगी दोबारा, फ्रेश ग्रास होएगी, वो क्या होगी, हेल्दी होएगी, पुराने ग्रास को ये हमारा रेनोवेट कर देगा। तो बोन मील जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, तो ये सॉइल जो है गार्डन सॉइल भी मिल जाती हैं, सैंड के साथ हम इसको कवर कर सकते हैं। डिजीज़ है फेरी रिंग की और पेल येलो लॉन जो होता है, फेरी रिंग में क्या होता है, इसमें सॉइल बॉर्न फंगस होती है जैसे मरास्मियस ऑडियनस एंड सेल्योटा कंपेस्ट्रिस एंड लियोपोर्टा मॉर्गेनी जो होते हैं, ये जो फंगस हैं ये सर्कुलर रिंग ऑफ थिन कलर्ड और डेड ग्रास जो है कर देते हैं ग्रास को। इसकी रिंग जो है नॉट कम्प्लीट एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ एन आर्क और हॉर्स शू टाइप देते हैं। ग्रास जो है ब्राउन हो जाता है और इससे क्या होएगा, उसके बाद हम इसको किससे जो है रोक सकते हैं, 4 gram copper sulfate 4 gram hydrated lime लेकर 50 liter ऑफ वाटर में तो उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एक कॉपर फंगिसाइड है, जैसे ब्लीटॉक्स भी हम इस पर कर सकते हैं, तो इससे ये वाले जो पैथोजन है फेरी रिंग के जो फंगस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ब्लीटॉक्स फिर। और पेल येलो लॉन है, लॉन पूरा पेल हो गया है या येलो कलर का हो गया है, इसके रीज़न कई हो सकते हैं कि अब वाटर लॉगिंग है, पानी खड़ा हुआ है, पुअर ड्रेनेज है, जब हमने वाटर फ्लडिंग ज़्यादा कर दी है, हैवी रेन एरिया हो गया, लैक जब बिल्कुल कम पानी है, तो इससे क्या है डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होती है जो जेलोइंग होती हैं। तो ये नाइट्रोजन का आपको सोर्स पता ही है क्या है, यूरिया है, यूरिया आप कर सकते हो। तो हार्डनिंग ऑफ सॉइल इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कई बार ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है रूट्स को। सो हमने अगर सॉइल को थोड़ा सा लूजन कर दें खुरपे के साथ या रेक के साथ, उससे भी जो जेलोइश आपकी ख़त्म हो सकती है। तो नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया स्प्रे कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ टू मेंटेन द लॉन।